चल चल अच्छा अच्छा चल लैपटॉप लैपटॉप इजी पीजी आई गेस पार्सल भी इतना इजी हो अरे यार हमेशा इतना नेगेटिव क्यों बीबी कम ऑन ना माइंड लगा माइंड ब्रेन ब्रेन लगाना होता है सेतु मैं देख के आती हूँ कोई है तो नहीं तो ट्राई कर लिया हमने गीता नव्या तारा बार बार ट्राई करेंगे ना तो कहीं लैपटॉप ही बंद ना हो जाए आई नो राइट बायो के साथ थोड़ा कंप्यूटर साइंस पढ़ लेती ना तो ये हैक कर लेती फिर में सब कुछ कितना इजी होता सब कुछ जल्दी हो जाता है रियल लाइफ में सब कुछ बहुत डिफिकल्ट होता है एक काम करते हैं लैपटॉप घर ले जाते हैं किसी से हैक करवा लेंगे डन चल आप क्या रोज कैसा है मैं बिल्कुल ठीक हूँ हाँ यार शादी कर रहा हूँ पर तुम्हें आना ज़रूर है हेलो हेलो आवाज़ आ रही है एक मिनट शायद नेटवर्क का इशू है मैं एक मिनट खुलता हूँ बस अच्छा मैं चेक करती हूँ तो वो बाहर ही खड़ा है हम फंस चुके हैं अरे गर्मी लग रही थी यार अब क्या करें आई थिंक आई हैव एन आइडिया क्या क्या तू जा कर रही है पलक दरवाजा क्यों बंद किया क्या ये आइडिया पहले क्यों नहीं आया हमें अभी आ गया वही अच्छा है सुपर इसमें पासवर्ड नहीं है लेकिन हमें ईमेल के लिए पासवर्ड चाहिए होगा राइट It's a lucky day, baby. Navya is online. Message करती हूँ उसे. क्या बात कर रहा है? It's a great news. पहले क्यों नहीं बोला? और कब हुआ? I miss you too. ऐसा क्या काम है विक्रांत की तुम्हारी मॉम चाहती है मैं तुमसे दो दिन ना बात करूं? वो दो दिन जब विक्रांत की शादी है Yes. हमने डिसाइड किया था कि हम इस मंथ में मिलकर हमारी शादी की बात करेंगे Dude. What? ये बंदा टू टाइमिंग कर रहा है ये टू टाइमिंग कर रहा है इसके फियांसे टू टाइमिंग कर रही है मुझे तो समझ नहीं आ रहा यहाँ चल क्या रहा है अब हमें यहाँ से निकलना है कैसे वो बाहर है ना मैं चेक करके आती हूँ ठीक है हाँ तो ठीक है हम लोग मिलते हैं ऋषभ हाउ आर यू गुड हाउ आर यू गुड प्लीज हैव अ सीट व्हाट विल यू हैव टी कॉफी नथिंग आई एम फाइन वैसे ऐसी क्या अर्जेंसी थी जो इस वक्त आना पड़ा वो भी यहाँ पे तो मेरा भाई तुम्हारी वेडिंग प्लान कर रहा है वैसे अच्छा तमाशा किया तुम दोनों ने जब हमें इनवाइट करने आए थे आखिर बात क्या है विक्रांत तुम रिकी को इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हो
I think it's very late at night for this. It's not late. बताओ मुझे, तुम और तुम्हारी फैमिली उसे इतना फेवर क्यों कर रहे हैं? बात क्या है? ऋषभ यहाँ कोई किसी को फेवर नहीं कर रहा, मैं अपना काम कर रहा हूँ और ऋत्विक अपना। विक्रांत तो मेरे भाई को नहीं जानते, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टाइप का केस है। उसे ऐसा लगता है जैसे तुम्हारा और उसकी वाइफ का अफेयर चल रहा है। वो तुम दोनों को रेड हैंडेड पकड़ने की कोशिश कर रहा था, इसलिए उसने ये सारा नाटक किया। ये सब जाकर तुम अपने भाई से क्यों नहीं कहते? यू डोंट बिलीव मी, तुम्हें ऐसा लग रहा है जैसे मैं झूठ बोल रहा हूँ। विक्रांत सोचो, शादी से पहले रिकी ने अपनी मदर इन लॉ की कितनी इंसल्ट की थी, और आज उन्हीं के साथ काम कर रहा है वो। ये सब एक नाटक है। पिछली बार जब तुम और पलक मिलने वाले थे, वो तुम दोनों को रेड हैंडेड पकड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसे कोई प्रूफ ही नहीं मिला। और अब तुम्हारी शादी प्लान करने के बहाने वो तुम्हारे आसपास घूम रहा है। तुम देखना विक्रांत, तुम्हारी शादी के दिन वो कितना बड़ा तमाशा क्रिएट करता है। एंड आई एज अ वेल विशर बस तुम्हें वॉर्न करना चाहता हूँ, सिर्फ इसीलिए ताकि तुम्हारी ये शादी खराब नहीं हो, तुम रिकी से दूर रहो विक्रांत। तुम्हें पता नहीं कि वो किस हद तक गिर सकता है। ठीक, इस बात का ध्यान रखूंगा। बट ऑल सेड एंड डन, आप शादी में जरूर आइएगा। चलें फिर। चलो चलिए, मैं बाहर तक ड्रॉप करता हूँ। इमेजिन, विक्रांत ऋत्विक को लेके गया है नूस के घर शादी का इनवाइट देने के लिए। हाँ, लेकिन ऋत्विक को कोई फोर्स थोड़ी कर सकता है, वो अपनी मर्जी से गया होगा। जो भी है यार, बट मुझे नहीं समझ आ रहा। मुझे लगता है ना, गीता जी ऋत्विक को नूस के अगेंस्ट यूज करने वाली है। आई डोंट नो एग्जैक्टली क्या चाहती है, बट दिस मैरिज इज फेक। विक्रांत और तारा कपल नहीं है। वो ये प्लान करिए कि ये शादी हो, नूस वहाँ आए, यू नो, कुछ बड़ा तमाशा हो, और उससे ना ऋत्विक बहुत हर्ट होगा। और मुझे तो ये भी समझ नहीं आ रहा कि ऋषभ यहाँ क्यों आया था, और वो ऋत्विक को मेरे बारे में ऐसा झूठ क्यों बोल रहा था। आई नो यार, पर मुझे मैं जीत आंटी की टेंशन हो रही है यार। एक और शादी में तमाशा, आई मीन हर शादी में उनके साथ ऐसा होता है, और बिल उन्हीं पे फटता है। ये नहीं कर सकते यार, अगर ये सब कुछ हो गया तो ऋत्विक, ऋत्विक की फैमिली, मम्मा सब सफर करेंगे। ना, आई कांट लेट दैट हैपन। आई नो, हमें कुछ करना होगा। ऋत्विक और गीता जी सामने नहीं आ सकते। ऋत्विक के रेड कलर के कार्ड किसने चूज किए? तारा ने, उसका फेवरेट कलर है ना। प्लीज मेक श्योर कि रेड कलर ना हो, मुझे रेड बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये तुम्हें किसने बताया? तुम्हारी मम्मी ने, ऑब्वियसली है, विक्रांत ने बताया होगा ना। तो मेरा फेवरेट कलर क्या है? हाँ, पिंक। Wrong. It's blue. Blue? Blue? बोलते बोलते pink. देख रहा है तुम, इस basis पे मुझे judge मत करो। मैं घर पर छोड़ के खाना वाना बना रहा हूँ आजकल यार, तुम्हारे लिए। What is pink? Just a color. तुम्हें विक्रांत ने क्या बताया? तारा ने किस में honors किया? वैसे तुम आजकल detective पलक नहीं बन गई हो? नहीं, I'm just concerned about these things. इतनी सी पलक और पूरी दुनिया की टेंशन। गाल देखो इतने बड़े हो गए तुम्हारे, लोगों की टेंशन ले लेके। मुझे ना किसी और चीज की टेंशन नहीं, तो तुम्हारी टेंशन। I'm just concerned about you. I'm sure. खाना खा लो। मेरी बात सुन। बोलो। मैं सोच रही थी कि तुम अपने डैड के पास वापस चले जाओ। तुम्हें छोड़ो। वैसे मुझे छोड़ के नहीं, बस अपने डैड से रहने चले जाओ। यू नो, तुम उनसे रहोगे, बात करोगे, जब उनका मूड सही होगा तो उन्हें एक्सप्लेन कर सकते हो, उन्हें समझा सकते हो। यू नो व्हाट, ये दूरियां ना और प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही हैं, और मैं तो यहीं हूं ना। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो? मैं ऐसी बातें नहीं कर रही हूँ, तुम समझ नहीं रहे हो। आई थिंक, यू नो, आई हैव अ फीलिंग दैट दिस इज द राइट टाइम। अभी हम कर सकते हैं, द फैमिली कैन कम टुगेदर। मैं अपने घर तब जाऊंगा जब तुम मेरे साथ जाओगे, वरना भूल जाओ।
I'm not interested. I'm okay. Cooking, cleaning, samjhi? अब तुम खाना खा के जल्दी से सो जाओ, सुबह जल्दी उठ के संगीत की प्रिपरेशंस भी करनी है, ओके? राइस, मैंने राइस भी बनाई है, मैं लेके आता हूँ। मैं ऋत्विक को संगीत के लिए नहीं जाने दे सकती। पलक उठो, पलक, पलक, पलक बाहर अर्थक्वेक आया, जल्दी उठो। क्या बोल रहे हो? हाँ उठो, चल। नहीं, उठी, चल। अर्थक्वेक कैसे आ सकते हैं, तुम पागल हो? ये देखो, यहाँ पक्का कोई अर्थक्वेक आया है। ये एक मिनट, अर्थक्वेक आता तो अंदर अंदर तो सब कुछ ठीक है, पेंटिंग्स भी नहीं हिली और यहाँ तो सब ऊपर नीचे हो गया, ये हो क्या रहा है? चोर आए हमारे घर पे। हमारे घर पे चोर क्यों आएंगे? ये लैंप शेड चोरी करने आएंगे वो। गरीब चोर होंगे ना? चोर गरीब होते हैं पलक, तुमने कभी सुना कोई अमीर चोर होता है? कहां से आई हो यार तुम? ये हाल क्या बनाया है यार? पक्का ड्रंक होगा वो चोर। ये शायद खिड़की से आया है वो, देखो। खिड़की भी तोड़ दी यार, ये सब इतना अजीब क्यों है? ये सब कुछ बाहर हुआ है और हमें अंदर पता भी नहीं चला है। क्योंकि हम सो रहे थे ना, बहुत गहरी नींद में थे, हमें पता ही नहीं लगा होगा। अब क्या करेंगे? ये तो बहुत वियर्ड है यार। हमें ही सब कुछ ठीक करना पड़ेगा। हाँ, तो संगीत पे कौन जाएगा, काम कौन करेगा? वहाँ मैं किसी और को भेज दूंगी। नो, that's priority. ये सब हम बाद में कर लेंगे, पहले संगीत। प्रायोरिटी ये है, दिस इज इम्पोर्टेंट, हमें ये पहले करना पड़ेगा। अगर ऐसी खिड़की खुली रहेगी तो एक और चोर आ जाएगा। दिस इज इम्पोर्टेंट, मैं मॉम को फोन करके बोल दूंगी कि वो मैनेज कर लेंगी, हमें ये ठीक करना है पहले। तो तुम मॉम को फोन करो, उनको बोलो हम थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, बट हम संगीत की प्रिपरेशन में कोई कमी नहीं आने देंगे, हम विल मेक अप फॉर एवरीथिंग। हां, मैं मम्मा को फोन करके बोल देती हूँ, ठीक है? हाँ पलक। हेलो। हाँ सेतु, मैंने ना ऋत्विक को बिजी कर दिया है, मैं उसे संगीत पे नहीं आने दूंगी। ही कांट मीट गीता जी। पर कैसे करेगी तू ये? यार मैंने ना घर को पूरा मैसअप कर दिया, अब वो ना बिजी हो गया वो क्लीन करने में, आई थिंक। ठीक है, उसको इतना थका देना कि शाम को वो खुद ही मना कर दे संगीत में आने से। वही कर रही हूँ, प्लान तो यही है, बट पता नहीं कब तक रोक पाऊंगी उसे। सुन, हमें ना ये प्लान आज सक्सेसफुल करना पड़ेगा। अगर आज नहीं हुआ ना तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। यार पलक, मुझे ना मंजीत आंटी की बहुत टेंशन हो रही है। वो ऑलरेडी इतने स्ट्रेस में है। और फिर एक और शादी कैंसिल यार। आई नो यार, बट दिस इज मोर इम्पोर्टेंट। लिसन, तू जा, ओके? तू उसे मिल, कन्विंस कर। डोंट वरी, आई एम ऑन माय वे, ओके? ठीक है, चल बाय। बाय। कैसे करती हो ये सब? बहुत दर्द हो रही है। ठीक हो जाएगा। घर का तो बहुत बुरा हाल हो रखा है और मैं तो पैर में लग गई, तुम्हारी हेल्प कौन करेगा? मुझसे तो नहीं हो पाएगा। गप्पू, तुम कितनी क्यूट हो यार, तुम्हें पेन हो रही है फिर भी तुम मेरे बारे में सोच रहे हो। टेंशन मत लो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा।
वैसे भी कुछ खास हेल्प कर नहीं रही थी, फोन पे लगी हुई थी। ऐसे ही होता है जब पतियों से सब काम करो ना, ऐसे होता है। रुको मैं स्प्रे लेके आता हूँ, हम सर को यहाँ पर। I'm sorry. बंदा आपकी किस्मत में हाजिर है। कौन सा पैर था ये वाला? I'm so sorry, Ritwik. तुमसे ये सब करवा रही हूँ, but it's all for your good. मुझे पता है। क्या पता है? वही जो तुम सोच रही हो। क्या पता है तुम्हें? कि तुम क्या कहना चाहती हो? क्या? यही ना कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। Yeah, you can say it. I love you a lot. I love you too. ओए, इसमें से पैर बाहर निकालो। हाँ। मैं क्रीप बैंडेज लेके आता हूँ। भूल गया, सॉरी। थैंक यू सो मच पलक, इस धोखेबाज से बचाने के लिए ये शादी कैंसिल होगी। बहुत बड़े फ्रॉड हैं ये लोग, उनके घर पे ही खड़ी हूँ। मैं जानती हूँ कि आप ऋत्विक की माँ, वही माँ जो उसे 8 साल की उम्र में अकेला छोड़ के चली गई।